हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डिशेस ऑफ स्वाति में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लस्सी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे तैयारी करके रख लिया है और अभी बहुत गर्मी का मौसम हो रहा है, तो अभी तो मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये दही है, मैंने घर पे ही इसे घर का ये दही है जमाया था, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, ये घर का मलाई है, और यहाँ पर मैं ले ली हूँ चीनी, और ये भी घर का ही मलाई है और फ्रेश है सब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दही को अच्छे से पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पीस रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बर्फ, और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा जैसा पसंद है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमको छाछ के जैसा नहीं बनाना है। एक बार इसे आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। मार्केट का लस्सी सच बता रही हूँ, आप लोग भूल जाएंगे। और मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ फ्रेंड्स। आप लोग मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही रेसिपी और अभी आप लोग के साथ लाती रहूं। तो देखिए अब ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे एक गिलास में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अब गिलास में निकाल के दिखा रही हूँ। तो अब इसमें मैं डालूँगी मलाई। तो सारे में अच्छे से पहले मलाई डालूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रख लिया था थोड़ा सा। तो ये काजू और पिस्ता बादाम डाल रही हूँ। अब ये साबुत काजू और मैं किशमिश डालूँगी इसमें। अब मैं केसर वाला मलाई को ऊपर से गार्निश के लिए डाल दूँगी। ये खाने पीने में बहुत टेस्टी है, खाने का भी मज़ा है और पीने का भी मज़ा है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और फिर मैं मिलूँगी अगले रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।